सूरत के मान दरवाजा में नाली का काम पूरा होने के बाद सड़क का काम ठीक से नहीं होने पर इजर गड्ढे में पलट गया। आइसर टेम्पो उलट जाने के कारण खराब प्रदर्शन का खुलासा हुआ। 20 दिन पूर्व ही जल निकासी का काम पूरा होने के बाद भी ठीक से सड़क नहीं बनी। सूरत के मान दरवाजा क्षेत्र में सड़क पर जल निकासी का काम पूरा होने के बाद भी सड़क का काम से नहीं हो पाया, हादसा हो गया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी ओर स्थानीय लोगों को बताया गया कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, डायवर्जन दिया गया है। एक तरफ सूरत में मेट्रो का संचालन जारी है जिससे कई सड़कें डाइवर्ट की गई है, वहीं दूसरी ओर मॉनसून को ध्यान में रखते हुए प्री मॉनसून ऑपरेशन और ड्रेनेज ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिसमें कई सड़कें बर्हाद नज़र आ रही है। ऐसे में यहाँ चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है, साथ ही भारी जाम भी लग रहा है। गड्ढे में फंसे वाहन मान दरवाजा 80 फुट सड़क पर ड्रेनेज का काम 20 दिन पहले पूरा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी सिस्टम द्वारा सड़क की मरम्मत नहीं की गई है जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से गुजरने वाले वाइस इस गड्ढे से फंस जाते हैं, साथ ही भारी जाम की लगा रहता है। तभी पास से गुजर रहा एक आइसर टेम्पो पलट गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। साथ ही यहां धूल उड़ने से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, साथ ही यहां आए दिन जाम की समस्या भी बनी रहती है।